यही वो कुआं है जिसमें 120 लोगों ने कूद के अपनी जान दी थी। एक ये भी दीवार है, इसमें भी गोलियों के निशान है सारे के सारे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल बता दूँ, मैं हूँ अमृतसर में। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये अमृतसर का रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, काफ़ी चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा अमृतसर में। आज गोल्डन टेम्पल, अटारी बॉर्डर, तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। देन इसके बाद मैं निकलूंगा जम्मू के लिए, जहाँ पे वैष्णो देवी मुझे एक्सप्लोर करना है, दूसरा मुझे खोटोरी बाबा एक्सप्लोर करना है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस जर्नी के अंदर दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। तो चलिए मेरे साथ, आपको घुमाते हैं पूरा अमृतसर। स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। अब हम लोग अपने गोल्डन टेम्पल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो चलते हैं अब आपको गोल्डन टेम्पल की तरफ। दोस्तों, फाइनली हम लोग गोल्डन टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, फिलहाल मैं अभी जाता हूं, रेस्ट करूंगा, फ्रेश होऊंगा, कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूं। उसके बाद फिर मिलकर हम लोग सारा यहां जितना भी तमाम चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे यहाँ का, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले फ्रेश होते हैं, ठीक है। एकदम फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और लगेज वगैरह सब हमने अपना रख दिया है। अब सीधा चलते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, आपको अंदर से दिखाते हैं कि गोल्डन टेम्पल कैसा है। बट यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है कि आप ने शूज भी रख दो, बैग्स भी रख दो और फ्रेश भी हो जाओ। उसके कोई चार्ज भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गोल्डन टेम्पल के जस्ट पास में मिल जाएगा ये सारी सुविधा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अब आपको सीधा गोल्डन टेम्पल के अंदर, आपको सीधा गोल्डन टेम्पल के अंदर ले जाके गोल्डन टेम्पल जी दर्शन कराते हैं। सो दोस्तों, अगर आप गोल्डन टेम्पल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ऊपर सर के ऊपर पगड़ी बांधना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप अंदर प्रवेश करें, ठीक है। तो चलिए अब अंदर लेकर चलते हैं आपको। वाहेगुरु जी खासा, वाहेगुरु जी फतेह। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे के अंदर। देख सकते हो क्या नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये कपड़ा कैसा लग रहा है मेरे सर पे, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और क्या मस्त लग रहा है यहाँ आके। तो दोस्तों देख सकते हो, सच में किसी स्वर्ग से भी कम नहीं है जगह, कितनी सुंदर है। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। सो दोस्तों, अब चलते हैं, थोड़ा सा लंगर यहाँ का चखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा लंगर होता है यहाँ का। तो हमको भी हमारी प्लेट मिल चुकी है दोस्तों, हम लोग बैठ के लंगर खाने के लिए। हमारी प्लेट हमें मिल चुकी है, जस्ट अभी थोड़ी देर में लंगर हमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। हमने लंगर वगैरह कर लिया है, काफ़ी स्वादिष्ट लंगर था। और ये लंगर आपको 24 घंटा मिलेगा, कभी भी आए आपको हर टाइम आपको ये लंगर चलता हुआ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई जात धर्म नियम कुछ नहीं है। आप किसी भी कास्ट के हो, हमेशा आपके लिए दिल खोल के यहाँ पर स्वागत है। और हमेशा आप कभी भी आए, लंगर हमेशा चख सकते हैं। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। स्वर्ण मंदिर तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, अब चलते हैं थोड़ा जलियांवाला बाग के लिए और चीज़ दिखाते हैं एक्सप्लोर करके आपको। चलिए चलते हैं। तो ये यहाँ का मार्केट है और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सबके एकदम सेम है। और यहाँ के जितने भी दीवारों के पेंट्स कलर है सब एकदम सेम है। और जस्ट आप मेरे पास देख रहे हो वो, उसके जस्ट सामने में ही जलियांवाला बाग है। तो चलते हैं अब वहाँ पर। ये जलियांवाले बाग के ऊपर दर्शाया गया है ये, और आप ये देख सकते हैं ये जलियांवाला बाग है। चलते हैं अब इसके अंदर एंटर होते हैं।
आप यहाँ का पूरा मार्केट एरिया देख सकते हो, काफी चहल पहल है और काफी मतलब मस्त लग रही है जगह। और आप देख सकते हो सारी दीवारों के पेंट्स सब एकदम सेम है। और जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जलिया वाला जो बाग है उसके ऊपर आधारित है। और जस्ट मेरे पीछे जलिया वाला बाग है, तो चलते हैं अब इसके अंदर एंटर होते हैं और चलते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं जलिया वाला बाग कहाँ है। ठीक है, जलिया वाले बाग के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। दोस्तों जलिया वाले बाग के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। और वैसे मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ, पहले भी आ चुका था। इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, एक बार आप वो वीडियो देख लेना। मैं आपको दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ की कहानी, और एक बार एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि कैसा है जलिया वाला बाग। और आप लोगों को पता ही होगा कि जलिया वाले बाग में क्या कांड हुआ था। उस टाइम पे काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे गोलियाँ चला दी गई थी, जिससे उनके याद तौर पे ये आप स्तंभ देख रहे हैं ये बनवाया गया था। और वहाँ पे आप एक कुआं देख रहे होगे, उस साइड है, उस कुएं के अंदर लगभग 120 लोगों की लाशें मिली थी। चलते हैं आपको उस कुएं के पास, और एक दीवार भी है जहाँ पे आपको गोलियों के निशान भी दिखेंगे। चलते हैं उस दीवार के पास भी, सब कुछ दिखाते हैं आपको। चलिए, देख सकते हो मेरे ये जो निशान दिख रहे हैं आपको, ये और ये निशान यहाँ से लेकर कम से कम वहाँ तक जितने भी निशान दिख रहे हैं, इन सब पे गोलियाँ चलाई गई थी। और जिस जिस पे गोलियों के निशान हैं उसी पे निशान बना दिए गए। आप सोचो कितनी गोली चली थी यहाँ पे। एक ये हो गया, और जस्ट वहाँ पे आप देख रहे होगे एक वहाँ भी एक दीवार है, उस पे भी गोलियों के निशान है। दिखाता हूँ मैं आपको पास ले जाकर, देख सकते हो। एक ये भी दीवार है, इस पे भी गोलियों के निशान है सारे के सारे। भाई सोचो क्या मंजर होगा जब ये ऐसे खतरनाक हादसे हुए थे। भाई देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। कुएं पे लेके जाता हूँ जहाँ पे कम से कम 120 लोगों की लाशें बरामद हुई थी, जिस कुएं पे लोग कूद के अपनी जान बचाए थे जब गोली चल रही थी। चलिए आपको लेके चलता हूँ उस कुएं के पास भी। दोस्तों आप देख सकते हो सामने में वही है कुआं जिसमें लोगों 120 लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी। देख सकते हो सामने से यही वो कुआं है जिसमें 120 लोगों ने कूद के अपनी जान दी थी। पास से दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा होगा आपको। इसमें जब मैं आया था तो सिक्के फेंका करते थे, बट अब तो सिक्के वक्के कुछ नहीं, सब बंद है। अब ये कांच और लगा दिया है, दिख रहा होगा कांच और है। सो दोस्तों ये वही कुआं है जिसमें 120 लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी। जब गोलियां चलने लगी थी तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी के अंदर छलांग मार दिया था। जब इसमें से 120 लोगों की बॉडी डेड बॉडी मिली। जलिया वाले बाग के म्यूजियम में ले चलता हूँ, अब म्यूजियम दिखाता हूँ मैं आपको इसका। देख सकते हो ये जलिया वाले बाग का म्यूजियम है। चलिए आपको एंटर कराते हैं। तो ये यहाँ का म्यूजियम है, और हमारे देश के कुछ इतिहासकार हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा हमारे देश की आज़ादी के पीछे। ये राजा रंजीत सिंह की मूर्ति है, और ये पूरा इतिहास उनके बारे में, एंशिएंट ऑफ पंजाब, पंजाब के बारे में, मतलब प्राचीन काल में पंजाब क्या था कैसा था वो सारा दर्शाया गया है, सारा कुछ। अब जा रहे हैं हम लोग कुछ शो देखने के लिए, जो पंजाब का इतिहास रहा है, हमारे देश से रिलेटेड कोई
आज़ादी से रिलेटेड जो इतिहास रहा है वो सारा कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आदर सम्मान एवं गरिमा का प्रतीक यही जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से खून दिया था। सैकड़ों लोगों को याद कर उनसे रंग दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहां अपनी आखिरी सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा, ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं। चलिए, वाकई क्या इतिहास था, सारा कुछ दिखा दिया दोस्तों। ऐसी आज़ादी नहीं मिली, सोचो कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। मतलब देख के बिल्कुल दिल एकदम दुख सा रहा था यार। मतलब कैसे, मतलब कि क्या, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब कि रोना सा आ जाता है। खैर, कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत अच्छा लगा मुझे, और कोशिश करना आप भी आएँ कभी और विज़िट करना इस जगह को, एक एक चीज़ों को देखना आप, ठीक है? और इतिहास के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ जलियांवाले बाग में, ठीक है? मैंने आपको जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर घुमा दिया, कैसा लगा आपको कमेंट में जाके जरूर बताना। काफ़ी इतिहास जुड़े हैं यहाँ से, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये जगह आपको, ठीक है? मिलते हैं हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।